हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला कलेक्टर ने किया निर्माण कार्यों और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण। बाड़मेर शहर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया। बाड़मेर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाटे ने शनिवार को बाड़मेर शहर में निर्माण कार्यों और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने नालों की सफाई करवाने के साथ खुले मैन हॉल को ढकने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर में बेहतरीन सफाई व्यवस्था के लिए सुचारू रूप से रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाटे ने स्टेशन रोड पर निर्माणाधीन नाले का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर परिषद के आयुक्त पंकज मंगल को शेष रहे कार्य को प्राथमिकता रूप से कराने के लिए कहा, ताकि शहर से पानी की निकासी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने नगर परिषद की ओर से संचालित आश्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर नकाटे ने जिला मुख्यालय पर शौचालय निर्माण कार्य का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उनके साथ रहे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाटे ने चामुंडा चौराहे पर सफाई व्यवस्था और नाले का निरीक्षण किया। उन्होंने नालियों को नियमित रूप से सफाई करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने नालियों की नियमित रूप से सफाई करवाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र को सफाई व्यवस्था की प्रभारी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने वृद्धविचंड जैन बस स्टैंड के समीप नाले का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने कलेक्टेड परिसर में जल भराव की आशंका वाले स्थानों का अवलोकन कर पानी की निकासी सुनिश्चित करने के लिए कहा। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाटे ने बताया कि बाड़मेर शहर में दो बड़े नाले निर्माणाधीन हैं। इसके पूर्ण होने से काफ़ी हद तक पानी एकत्रित होने की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा दो अन्य नाले स्वीकृत किए गए। इनका कार्य पूर्ण होने से बाड़मेर शहर में सफाई व्यवस्था का स्थायी समाधान हो जाएगा। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।